मुझे आप लोगों को बोलने का मौका दिया गया। मैं यहाँ ग्राउंड पर करीब 8-9 साल से आ रहा हूँ और आप जैसे कितने ही प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चों और युवा साथियों को मैंने ऑफिसर के द्वारा आज वर्दियों में देखा है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसी एक एकेडमी इंदौर शहर में चल रही है जहाँ पर युवा लोगों को आगे प्रोत्साहित कर उन्हें अपने सही मार्गदर्शन में लाया जाता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे गुरु ऑफिसर के रूप में मिले हैं जो आपको आने वाले भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एकाग्रता लाना पड़ती है। जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंख मछली की आंख को एक निर्धारित करा और उसे मारकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। इसी प्रकार अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है और आप ये मानते हैं और वो आप होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उस भर्ती में होने के लिए जो आज की पीढ़ी युवा है, हम भी युवा अवस्था से यहाँ तक आए हैं, अगर आपको आगे जाना है तो छोटे भाई के नाते मेरी बात आप भी जरूर माने। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो दूसरी चीजें हैं जो आज के समय में टीवी हो गई, पिक्चरें हो गई, मनोरंजन की व्यवस्थाएं हो गई, इन चीजों को कम से कम अपनी लाइफ के लिए 1 साल 365 दिन अपनी लाइफ से निकाल के रख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन चीजों को 1 साल के लिए अपनी लाइफ से थोड़ा अदर कर दिया तो ये मान के चले, मैं निश्चय यहाँ कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं, जितनी छोटी बहनें बैठी हैं मेरी, मैं निश्चय आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी चीजों को मानसिक दिमाग से हटाकर उन्हें बाहर रखें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सिर्फ ये चीज पर फोकस होना चाहिए कि हमें पुलिस में भर्ती होना है, हमें इस पद पे जाना है और उसके लिए जो हमें ऑफिसर मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो दूसरे लोग भी हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। निश्चय में आपको कह रहा हूँ, आप में से 99% लोग अगर आज ये सुगंध खा लेंगे हाथ उठाकर कि भैया 1 साल के लिए हम हमारी पर्सनल लाइफ को साइड में रखेंगे, हम जो आज की नई नई व्यवस्था है जो इंसान को भटकाती है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उन चीजों को साइड में रखकर 1 साल अपने लक्ष्य निर्धारित करें। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग 100% हमारे देश की सेवा के लिए जो आप पुलिस का जॉब करना चाह रहे हैं उसमें निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार गुरुदेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और भैया हाथ उठा के सुगंध खाओगे कि भैया मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि भैया मानोगे तो हम हमारा भी कहीं ना कहीं हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा कि हमारे कहने पर या हमारे विचारों से अगर एक व्यक्ति ने भी आज से ये मोबाइल, जो मोबाइल होता है ना फट से बंद, 2-2-3-3 मिनट 4-4 मिनट में फट 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 फट, इसको व्हाट्सएप वाला छोड़ के जो बटन वाला आता है ना, अगर वो 1 साल रख लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100% अपने मुकाम को। यादव जी का, गोविंदा जी का और सबका स्वागत है ओपी ग्रुप में, और तीनों विनर्स खड़े हो जाएं, गर्ल्स आर्मी और सब इंस्पेक्टर्स, तीनों विनर्स खड़े हो जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉयज आर्मी प्रथम द्वितीय तृतीय, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर प्रथम द्वितीय और तृतीय कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वेलकम। शीतल 3 मिनट 27 सेकंड, फिर अर्चना 3 मिनट 29 सेकंड, और रवीना 3 मिनट 36 सेकंड, नहीं
आर्मी 1600 मीटर, प्रहलाद यादव 5 मिनट 5 सेकंड, जितेंद्र चौधरी 5 मिनट 15 सेकंड और ऋतिक 5 मिनट 20 सेकंड। उपनिरीक्षक और कांस्टेबल्स में पहला स्थान रहा लकी 2 मिनट 26 सेकंड। ये ऋतिक बार बार जब भी ट्रायल दिए हैं विनर्स में रहे हैं, तो इनका कहना है कि इस बार मैं इस अपने इनाम को ऐसे जरूरतमंद को देना चाहता हूं जो जिनको अभी तक नहीं मिली है। हरिओम, अगली बार आप विनर बने। डबल देना हूँ तेरे को मैं, और 100% आएगा, ये मेरे प्रॉमिस है। फर्स्ट आएगा, 100% आएगा, और बहुत बहुत शुभकामना, अगली बार मेहनत करो, है ना, ऑल द बेस्ट। चलिए 800 मीटर बाद। और हरिओम के बारे में बता दो, अभी एक साइकिल मैराथन हुई थी विजय वर्गीय जी के तरफ से, इनकी 20,000 की साइकिल मिली है इन्हें प्रथम इनाम आने पर। लकी के बाद है अभिषेक 2 मिनट 27 सेकंड, इनका पहला ट्रायल है। तीसरे स्थान पर है मोहित 2 मिनट 28 सेकंड। सर एक आप आगे सर, सर प्लीज एक भी सर, सर आइए सर, सर सर एक मिनट नहीं हो रहा ना, तभी लगा इसलिए बोला। हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहे। अब मैं एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से जितने भर्ती में जाएंगे, जितने 1 2 3 4 5 10 उन सबका सम्मान हरिओम ग्रुप की ओर से बकायदा इस ग्राउंड पे मंच लगाकर ट्रॉफी के द्वारा किया जाए। तो ये सर आपकी जिम्मेदारी है, 10 हो 50 हो और आगे करवाना है, आपकी जिम्मेदारी है। बोल बोल बल बढ़ाया है, टैगोर एकेडमी का स्वागत करते हैं, जिनके तरफ से आप विनर्स हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि